सिपाही भर्ती में पेपर लीक का मामला। पेपर लीक कांड में चार्जशीट दाखिल की गई है। साइबर कोर्ट में ईओयू ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। सरगना संजीव मुखिया पर चार्जशीट फाइल की गई। बिट्टू अश्विनी अभिषेक पर चार्जशीट। प्रिंटिंग प्रेस मालिक कर्मचारी पर आरोप पत्र है। परीक्षा से पहले वायरल किया गया था पेपर। पेपर लीक के बाद रद्द हुई थी परीक्षा। 1 अक्टूबर 2023 को ये परीक्षा आयोजित की गई थी। संगठित अपराध में ये सभी आरोपी शामिल थे, इसकी जानकारी भी चार्जशीट में दी गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से अमित कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमित, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ये आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जो है वो सिपाही भर्ती पेपर लीक कांड का जो है अनुसंधान किया जा रहा था, और इस मामले में जो तथ्य आए थे, जो साक्ष्य मिले थे ईओयू को, और उस जांच के दौरान इन आरोपियों ने जो अपना गुनाह स्वीकार किया था, उन सभी को लेकर के जो कह सकते हैं कि आरोप पत्र वो तैयार किया गया, और उस आरोप पत्र को जो है वो गुरुवार को कोर्ट में सबमिट किया गया है, और इसकी आधिकारिक जानकारी जो है आज आर्थिक अपराध इकाई के जो एडीजी हैं नैयर हसनैन खान, उनके द्वारा जो है वो दिया गया है। और इसमें जो बातें बताई गई है कि इस आरोप पत्र में जो पेपर लीक कांड से जुड़े जो लोग हैं, जिसमें सरगना जो है संजीव मुखिया को बताया गया है, और इनके बेटे डॉक्टर शिव कुमार उर्फ बिट्टू में मुख्य सहयोगी जो है अश्विनी रंजन के अलावा, कह सकते हैं कि जो अभिषेक हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस के जो मालिक हैं, और उनके कर्मी, इन सभी को आरोपित बनाया गया है, और इन लोगों की जो गिरफ्तारी है वो सुनिश्चित की गई है। हालांकि डॉक्टर संजीव जो है वो अभी फरार है, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो कानून के जद में है, न्याय हिरासत में है। तो इन सभी के खिलाफ जो है आरोप पत्र दायर किया गया है, और ये भी बताया गया कि ये लोग जो है वो आदतन अपराधी हैं। इस तरह से संगठित जो अपराध होते हैं पेपर लीक कांड से जुड़े हुए, उसमें पहले से भी आरोपित हैं। इन लोगों के ऊपर पहले से भी आरोप पत्र जो है वो दायर हुआ है। तो ऐसे में अब कोर्ट को निर्भर करता है कि इन लोगों के खिलाफ किस तरह के जो है वो धाराएं आगे लगेगी, किस तरह से जो है इन लोगों के ऊपर जो है वो सजा मुकर्रर की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अनुसंधान में जो तथ्य सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। न्यूज 18 ने इसकी जानकारी पहले ही अपने दर्शकों को दिया था कि जिस प्रिंटिंग प्रेस को जो है वो टेंडर मिला था इस पेपर को छापने के लिए, उसके पास अपना प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, वो दूसरे को हायर करके और पेपर छपवा रहा था, और वो भी एक कमरे में जो है वो प्रिंटिंग प्रेस चलाया जा रहा था, और उसके जो कर्मी शामिल थे उनसे संजीव मुखिया और उनके बेटे ने संपर्क साधा, और पूरा नेक्सस जो है वहीं से चला। और जब ये पेपर छपाई होकर के जो वेयर हाउस होना चाहिए था, जहाँ पे लॉकिंग सिस्टम यानी कि डिजिटल लॉकिंग सिस्टम के अंदर रखना चाहिए था, वहाँ ना रख करके साधारण एक कह सकते हैं गोडाउन में रखा गया था, और मोतिहारी भेजने के दौरान ये पेपर लीक किया गया था। इस बात को खुद स्वीकारा था डॉक्टर। अमित, आपने पेपर लीक की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब आगे क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया होगी? इससे अहम बात है कि अब के जो वकील हैं वो अपने तथ्यों को रखेंगे। जो चार्जशीट में बातों को रखा गया है उसको प्रमुखता से कोर्ट के सामने जो है वो रखने का काम करेंगे। लेकिन जो बचाव पक्ष होंगे, जैसे डॉक्टर सिंह है, बाकी आरोपित जो है जिन्हें बनाया गया है, उनके जो वकील हैं वो इन बातों को काटने की कोशिश करेंगे। तो कोर्ट में इस मामले को लेकर के आगे की सुनवाई होगी, और उसके बाद कोर्ट जो है न्यायाधीश जो है वो निर्धारित करेंगे कि जो बातें ईओयू की तरफ से रखी गई है, जो साक्ष्य रखे गए हैं, सबूत रखे गए हैं, और जो कबूलनामा है वो पुख्ता है। अगर पुख्ता है तो जाहिर सी बात है कि इसके आधार पे जो सजा है वो मुकर्रर की जाएगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ईओयू का जो अनुसंधान है वो मजबूत अनुसंधान है, जो ईओयू का दावा है, और इसके आधार पे इन सभी को जो है वो सजा दी जाएगी कि ये आदतन अपराधी हैं। इस तरह से जो अपराध इन्होंने पहले भी किया है, और अभी जो पेपर लीक किया था इसमें जो आरोप बनाए गए हैं उसके आधार पर जो कानूनी प्रक्रिया है, सुनवाई के बाद कोर्ट तय करेगा कि इनके ऊपर कौन सी जो है कितनी सजा जो है वो मुकर्रर की जाए। वाकई हमें देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर अब कोर्ट आगे क्या कुछ फैसला, क्या कुछ निर्णय सुनाती है, साथ ही साथ ये प्रक्रिया आगे कैसे और कब तक पूरी होती है ये भी देखने वाली बात होगी। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।